दिल्ली से गिरफ्तार यूपी का बड़ा मीट व्यापारी मोइन कुरैशी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर था। मोइन कुरैशी बता दें कि हवाला का बड़ा कारोबारी है मोइन कुरैशी। गिरफ्तारी के बाद मोइन कुरैशी से पूछताछ में ईडी की टीम जो है फिलहाल जुटी हुई है। तो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर पिछले काफी दिनों से मोइन कुरैशी जो था वो था, तो सीबीआई में डील कराने का आरोप भी लगा है। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तार कर लिया गया है मोइन कुरैशी को दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है यूपी का बड़ा मीट व्यापारी व्यापारी मोइन कुरैशी। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर था मोइन कुरैशी पिछले काफी दिनों से, और हवाला का बड़ा कारोबारी है मोइन कुरैशी। गिरफ्तारी के बाद मोइन कुरैशी से पूछताछ में ईडी जुटी हुई है। तो मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है मोइन कुरैशी की। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता आलोक पांडे का। आलोक, दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है यूपी का बड़ा मीट व्यापारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दिल्ली से जो मीट व्यापारी मोइन कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के काफी आरोप थे। और आपको ये भी बता दें कि ये मीट के कारोबार के पीछे पीछे इनके मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था। मोइन के जो सीबीआई है उसने कई जो कॉन्फिडेंशियल डील्स होती हैं खासतौर से विदेशी लोगों के साथ, उस पे उस डील को भी कराने का जो आरोप है वो मोइन पे लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो एक पूर्व सीबीआई के निदेशक थे मोइन, उनका भी काफी करीबी था और उनके लिए भी उस डील कराने का काम करता था। हालांकि जो पूर्व निदेशक थे एपी सिंह, वो मोइन के साथ पहले भी आरोपी बनाए जा चुके थे। और इसके अलावा एक और बड़े अधिकारी रंजीत सिंह सिन्हा, वो भी मोइन के साथ आरोपी बनाए जा चुके थे। हालांकि रंजीत सिन्हा के ऊपर जो केस था वो चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मोइन ने अपने पैसे के चलते इस पे स्टे ले लिया था। लेकिन ईडी पूरी तरीके से मोइन पे अपना सिकंजा कसा, मोइन को उठा के उसके काले कारनामों की पूछताछ जो है वो अभी तक निदा जारी है। जी आलोक, मोइन कुरैशी जो है केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर पिछले काफी दिनों से चल रहा था, आज गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाई? देखिए, इसी गिरफ्तारी निदा का इसको कल ही शाम को ईडी ने उठा लिया था, और इससे पूछताछ का जो दौर था वो लगातार जारी था। और जब साक्ष्य काफी हद तक ईडी के पास उपलब्ध हो चुके, तब आज देर रात को उसको उसकी जो गिरफ्तारी है उसको कंफर्म की थी। और लगातार इसके खिलाफ चुकी जो साक्ष्य था उसको जुटाने में ईडी पूरी तरीके से जुटा हुआ था, जिसके चलते जो इसकी गिरफ्तारी थी वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। लेकिन अब साक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य के बाद ईडी ने इसको उठाया है और गिरफ्तार करके दिखाया है। जी चलिए आलोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से आलोक पांडे तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं।